हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पेलर। आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि एक प्यारी सी लड़की और एक लड़का जिसे बीमारी है, वो सब साफ साफ चीजों को ही छूता है। उसके ऊपर लड़का और लड़की पड़ोसी भी है। ड्रामा स्टार्ट होती है हमारी हीरोइन लिंक्सिया से। वो आज अपनी जॉब छोड़ दी, जिस जॉब के लिए सभी विश करते हैं। वो यूके के नामी कंपनियों में से एक में काम करती थी, लेकिन वो अकेले कुछ बड़ा करना चाहती थी। दूसरे ओर हमारी हीरो, वो बहुत पॉपुलर गेमर था, लेकिन वो अपनी बीमारी के वजह से किसी से मिलता नहीं था। आज की हवा तो कुछ और ही रंग दिखा रहा है। आज तो वो अपने फैन और फोटोग्राफर के हाथ लग गया है। उनसे भागते हुए जब वो जा रहा था, लिंक्सिया से टकरा जाता है। लिंक्सिया के सारे चीजें गिर जाती है। वो बोलती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे भाग क्यों रहे थे, देखो तुमने ये क्या कर दिया। फिर सामने जब वो देखती है, उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उस लड़के को देख के लिंक्सिया उसे घूरने लग जाती है। फिर वहाँ और एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है, मिस मेरे बॉस अपने फैन से भाग रहे थे और आपसे टकरा गए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। लिंक्सिया बोलती है, अगर ये मुझे माफी मांग ले तो मैं ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई के लिए भी नहीं भूलूंगी। लेकिन निहुएंग बोलता है, लियो एक मिनट के अंदर इसे रफा दफा करो, यहाँ पे भीड़ बढ़ रहा है। लियो लिंक्सिया को पैसे ऑफर करता है। लिंक्सिया गुस्से से उस पैसे को निहुएंग के ऊपर फेंक के बोलती है, मुझे अपोलॉजी चाहिए था, पैसा नहीं, और अपने सामान उठा के वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में दिखाता है लिंक्सिया को, वो अपने दोस्त के साथ मोबाइल पे बात कर रही थी। उसकी दोस्त रूही बोल रही थी, लिंक्सिया तू अगर हुईज का ऑटोग्राफ लेके चली आई ना, मैं जीवन भर तेरी गुलामी करूंगी। लिंक्सिया हंस के बोलती है, हाँ हाँ मैं वही करने आई हूँ, और फोन रख के हुईज के रूम में जाके बोलती है, हेलो मिस्टर हुईज, एक्चुअली मेरी दोस्त आपका बहुत बड़ी फैन है, अगर आप उसके लिए एक ऑटोग्राफ दे देते। ये सुनते ही जब हुईज उसके ओर घूमता है, हुईज और कोई नहीं था, लू हुएंग था। उसे देख के लिंक्सिया चिल्लाती है, तुम यहाँ भी। फिर युहेंग बोलता है, अब क्या चाहिए तुम्हें। लिंक्सिया बोलती है, हम दोनों की बातें छोड़ो, लेकिन मेरी दोस्त तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, फैन तो नहीं ऐसी है, उसके लिए तो एक ऑटोग्राफ दे दो। युहेंग बोलता है, तुम ऐसी बदतमीज लड़की हो तो तुम्हारी दोस्त भी वैसी ही होगी, मैं कुछ नहीं देने वाली, निकल यहाँ से, और अपने गेम पे फोकस करता है। लिंक्सिया ये सुन के गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने मुझे बोला ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त को भी बोला, देख तेरी हालत क्या करती हूँ, और चेयर को एक लात मारती है, जिसके वजह से युहेंग नीचे गिर जाता है। दूसरे सीन में युहेंग को चाइना में दिखाता है। वो यूके गया था एक गेम के लिए, वहाँ तो वो जीत गया, लेकिन उसे वहाँ एक ऑफर मिला था, अगर वो वहाँ के टीम में ज्वाइन करेगा तभी उसे वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। यू को ट्रेनिंग तो चाहिए था, लेकिन वो वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो चाइनीज स्पोर्ट को टॉप को लेके जाना चाहता था। रात को लीन और रुई एक नए अपार्टमेंट में आते हैं। लीन भी चाइना चली आई थी, वो भी एक नया अपार्टमेंट लेके वहीं पे रहेगी और अपने सपने की ओर उड़ान देगी। यू अपने रूम पे आके देखता है, उसके रूम में तो डस्ट हो गया है, वो भी इतना कि टिश्यू से अच्छे से साफ करने पर पता चलता है। वो ना अपने अपार्टमेंट के मेंटेनेंस ऑफिस को कॉल करके बोलता है, मिस्टर जेंग मेरे रूम की हालत बहुत खराब है, आप किसी हाउसकीपर को अभी भेजिए। उधर से जेंग बोलता है, क्या रात के 2 बजे मैं हाउसकीपर भेजूंगा। यू ये सुन के बोलता है, मैं 2 गुना नहीं नहीं 3 गुना पैसा दूंगा, उसे 15 मिनट में यहाँ आने के लिए बोलो। जेंग बोलता है, आप पागल हो गए हो क्या, अभी कोई नहीं जाने वाला, और हाँ दोबारा फोन नहीं करना मुझे, मैं सो रहा हूँ। यू बोलता है, मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊंगा,
और घर साफ करने के लिए तैयार होता है। इधर दिखाता है लिन भी अपना न्यू हाउस साफ कर रही थी। दोनों अपना घर अच्छे से साफ करते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 5 बज गया, लेकिन उन दोनों का काम खत्म नहीं हुआ। फिर लिन रेडी हो रहा था कहीं जाने के लिए। उसे जाने दो, लेकिन आप सभी कहीं मत जाना, अभी तो आएगा असली मजा। तो होता ये है कि लिन गलती से अपने क्रीम की सीसी टॉयलेट में गिरा देती है और फिर क्या करेगी सोच के फ्लॉस भी मार देती है। परिणाम स्वरूप टॉयलेट हो गया चुक, पानी अंदर गया ही नहीं। तो वो भी जेंग को फोन करके बोलती है, हेलो मिस्टर जेंग, आप किसी को भेज सकते हैं? मेरी टॉयलेट चोक हो गया है। जेंग उधर से बोलता है, सॉरी मिस, अभी तो सुबह का 5 बजा है, मेंटेनेंस ऑफिस 8 बजे ओपन होगा, फिर मैं कुछ करता हूँ। ये सुन के लिन हो गई परेशान, क्योंकि उसे लग रही थी नंबर 2। लिन क्या करेगी सोच के अपने पड़ोसी की कॉलिंग बेल मारती है और वहाँ से यू निकलता है। यू को देख के लिंक्सिया की हो जाती है हालत पतली। वो बोलती है, ये कैसा रिश्ता है, यहाँ पे भी तुम? यू उसे देख के बोलता है, तुम यहाँ पे? तू यू कैसे मुझे फॉलो कर रही है, बोल तो तुझे क्या चाहिए? लिन बोलती है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, पता नहीं कैसे तेरे ही पड़ोसी मुझे मरना था। ठीक है, हम पड़ोसी है, लेकिन हम अलग रहे तो अच्छा है। ये बोल के यू डोर क्लोज कर ही रहा था, लिंक्सिया बोलती है, नहीं नहीं रुको, मुझे ना थोड़ा सा तुम्हारा टॉयलेट यूज करनी है। यू मना करने पर लिंक्सिया अंदर आते हुए बोलती है, इतनी भी मीन मत बनो, मैं जस्ट तुम्हारा टॉयलेट ही यूज करना चाहती हूँ, ये लो मेरे तरफ से गिफ्ट, और मैं चली। ये बोल के टॉयलेट के ओर भागती है। यू उस गिफ्ट को रख के भागता है टॉयलेट के ओर। उसे रोकना था लिंक्सिया को अपने टॉयलेट के अंदर जाने से, लेकिन तब तक वो अंदर चली गई थी। फिर वो अपने हाथ को देखता है, उसे अजीब फील होता है और वो जाके हाथ को रगड़ रगड़ के धोने लगता है। इधर लिंक्सिया टॉयलेट में बैठ के बोल रही थी, और कोई नहीं मिला मुझे, इसी का ही डोर नॉक करना था मुझे, क्या मैं पागल हो गई हूँ? फिर वो ना किसी को देख के बोलती है, क्या तुम मेरी फिरकी ले रही हो, तुम्हें अभी यहाँ आना जरूरी था? जैसे वो किसी को कोस रही थी बेवक्त आने के लिए। जब थोड़ा लेट हो जाता है, यू आके टॉयलेट नॉक करके बोलता है, अरे तेरा खत्म हुआ या नहीं, उधर क्या कर रही है, बाहर निकल। लिन बोलती है, मैं अभी बाहर नहीं जा सकती, थोड़ा मुझे सोचने दो। यू गुस्से से बोलता है, सुन अगर तू अभी नहीं निकली ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो लिन हिचकते हुए बोलती है, तो जब तुम पुलिस को कॉल करोगे ना, उन्हें बोलना अपने साथ एक सैनिटरी पैड लाने के लिए। यू बोलता है, हाँ? लिन बड़े ही झिझकते हुए बोलती है, मुझे प्यार चाहिए। आगे यू क्या करता है देखते हैं अगले पार्ट में। कहानी अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हाँ मुझे बोलना मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।